तो दोस्तों आपको याद होगा आस्क एसआर के सेशन में किंग शाहरुख खान के फैन के द्वारा ऐसा कहा गया था कि जवान का टाइटल ट्रैक कब रिलीज किया जाएगा। इसके रिप्लाई में शाहरुख खान सर ने कहा था, जवान म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध जी की आईडी मेंशन करके, अनिरुद्ध हर कोई जवान का टाइटल ट्रैक मांग रहा है, कृपया इसे मास्टर करें और सभी टी सीरीज प्लेटफॉर्म पर भेजें। तो मेरे दोस्तों यह वही गाना होने वाला है जवान तू। इसके अलावा एक दीपिका पादुकोण का भी जवान में सॉन्ग होगा और रामैया वास्तवैया सॉन्ग का ऑलरेडी प्रोमो आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चेन्नई और दुबई में जवान फिल्म का प्रमोशन हो सकता है, जिसमें कि दुबई वाले जवान फिल्म के इवेंट का ऑलरेडी बैनर भी आ चुका है। आईएमडीबी रेटिंग में ऑलरेडी जवान फिल्म टॉप कर चुकी है और पब्लिक भी जवान फिल्म के टिकट को खरीदने के लिए बेकरार है। आज 27 अगस्त की तारीख को दिल्ली एनसीआर में जवान फिल्म की एडवांस बुकिंग्स भी हुई थी, जिसे कि अभी रोक दिया गया है। मेरे हिसाब से जवान फिल्म की एडवांस बुकिंग्स इसलिए रोकी गई है क्योंकि पहले जवान फिल्म के आईमैक्स 2D फॉर्मेट की एडवांस बुकिंग होनी चाहिए थी, लेकिन जो आज बुकिंग स्टार्ट हुई थी वह आईमैक्स की नहीं थी। तो दोस्तों जवान फिल्म की एडवांस बुकिंग्स के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, वह कुछ समय में स्टार्ट हो ही जाएगी। काफी लोगों का क्वेश्चन है कि पहले जवान का ट्रेलर 2 आएगा कि रामैया वास्तवैया सॉन्ग, तो इसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि रामैया वास्तवैया सॉन्ग ऑलरेडी तैयार है, जिसका कि किंग शाहरुख खान ऑलरेडी प्रोमो भी लॉन्च कर चुके हैं। अगर रामैया वास्तवैया सॉन्ग ही आना है तो 28 अगस्त की तारीख तक रिलीज किया जा सकता है। सॉन्ग नहीं रिलीज किया जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जवान की रिलीज डेट को ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, लगभग 10 दिन रह गए हैं। इस हिसाब से जवान का ट्रेलर 2 ही अब रिलीज होगा। आपको क्या लगता है, पहले जवान का रामैया वास्तवैया सॉन्ग आएगा कि ट्रेलर 2? कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।